ताज़ा खबरों के लिए RRC के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं अंजलि देव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन चे प्रस्तुत करता घरकुल मसाले दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। मनपा में सत्ता परिवर्तन करेंगे राष्ट्रवादी महानगर अध्यक्ष का प्रतिपादन। जिला परिषद पंचायत समिति उपचुनाव नाम निर्देशन के अंतिम दिन उमड़ी भारी भीड़। मनपा द्वारा लगातार अनधिकृत निर्माण कार्यों पर कार्रवाई। छह महीने में ट्रैफिक विभाग की 60,000 से ज्यादा कार्रवाई। मारपीट प्रकरण में 3 आरोपी गिरफ्तार, 7 जुलाई तक PCR। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर राष्ट्रवादी कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें सभी समाज के नागरिकों का समावेश किया गया है। इस अवसर पर महानगर पालिका की सत्ता परिवर्तन करने का संकेत महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख ने दिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अकोला महानगर के अकोला महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख द्वारा होटल सेंट्रल प्लाजा में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अकोला महानगर की कार्यकारिणी की घोषणा की। इस जंबो कार्यकारिणी में सभी समाज के लोगों का समावेश किया गया है। इस जंबो कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए अकोला महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख ने कहा कि अकोला महानगर पालिका पर भाजपा की सत्ता है। यदि सत्ताधारी भाजपा शहर विकास और नागरिकों के हित में काम करती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती है, लेकिन यदि सत्ताधारी भाजपा नागरिकों और शहर विकास के खिलाफ काम करती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महानगर इसका कड़ा विरोध करेगी। इस अवसर पर मंच पर राष्ट्रवादी कांग्रेस अकोला महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख, उपाध्यक्ष श्रीमती मंदाबाई देशमुख, पूर्व महापौर हाजी रफीक सिद्दीकी, पूर्व नगर सेवक मनोज गायकवाड़, ज्येष्ठ नेता श्याम अवस्थी आदि उपस्थित थे। जिला परिषद और पंचायत समिति उपचुनाव के लिए नाम निर्देशन के अंतिम दिन जिलाधिकारी कार्यालय पर उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दी, जिसे देखते हुए पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार अकोला तहसील के जिला परिषद की रिक्त 3 जिला परिषद गट व 5 पंचायत समिति गण के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए 29 जून से प्रक्रिया आरंभ की गई थी। सोमवार 5 जुलाई को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख थी, जिसके कारण अकोला जिला अधिकारी कार्यालय के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं ने भारी भीड़ की थी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक बड़े प्रमाण में उम्मीदवारों ने अपने नाम निर्देशन पत्र उपविभागीय अधिकारी के पास दाखिल करे। इस अवसर पर उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार सहित प्रभारी तहसीलदार की उपस्थिति थी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए यहां पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा पिछले कुछ दिनों से अनधिकृत निर्माण कार्यों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत JCB की सहायता से अनधिकृत निर्माण कार्यों को निष्कासित किया जा रहा है। अकोला महानगर पालिका द्वारा शहर में अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे इमारतों और मकानों पर निष्कासन की कार्रवाई की जा रही है। 4 दिन पहले ही महानगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते ने अनधिकृत रूप से निर्माण किए जा रहे अस्पताल की इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। उसी प्रकार रविवार को अशोक वाटिका के सामने
मंजूर नक्शे से अधिक निर्माण कार्य करने पर जेसीबी की सहायता से अतिरिक्त निर्माण कार्य को गिराया गया था। सोमवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। अकोला के बलवंत नगर के पास जांगेड मंगल कार्यालय के समीप सुभाष इंगोले नामक व्यक्ति ने महानगर पालिका की ओर से किसी भी प्रकार की अनुमति ना लेते हुए मकान का निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते ने यहां पहुंचकर सुभाष इंगोले के अनधिकृत निर्माण कार्य को जेसीबी की सहायता से निष्कासित करने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के कारण महानगर पालिका की अनुमति लिए बिना अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य करने वालों में खलबली मच गई है। यह कार्रवाई महानगर पालिका आयुक्त के आदेश पर अतिक्रमण विभाग ने की। अकोला शहर यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा पिछले 6 महीनों में रिकॉर्ड ब्रेक कार्रवाई की गई है। इन 6 महीनों में 60,000 से अधिक कार्रवाई करते हुए 41 लाख रुपये का दंड वसूला गया। शहर यातायात नियंत्रण शाखा के अस्तित्व में आने के बाद से अभी तक सबसे अधिक कार्रवाई इस साल की गई है। इस साल 1 जनवरी से 30 जून तक 6 महीने में शहर यातायात नियंत्रण शाखा ने 60,316 दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 41 लाख से अधिक दंड वसूला है। 6 महीनों की है कार्रवाई सबसे अधिक है। इस साल के 6 महीने में 60,000 से अधिक कार्रवाई की गई है। 2019 में मई महीने से शहर यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा दंडात्मक कार्रवाई के लिए ई चालान मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें चालान करते समय वाहन चालक यदि उपस्थित नहीं है अथवा उसके पास दंड अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं तो कार्रवाई के बाद वह महाराष्ट्र में कहीं भी दंड की रकम भर सकता है। इस प्रकार की सहूलियत दी गई है। बकाया दंड की वसूली के लिए वाहन चालकों के निवास स्थान पर नोटिस भेजने की कार्रवाई भी शहर यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा की जा रही है। इस प्रकार की जानकारी शहर यातायात नियंत्रण शाखा के प्रभारी गजानन शेलके ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। अकोला के खतान पुलिस थाने की हद में आने वाले पारस्कर शोरूम के पास कुछ युवकों पर प्राणघातक हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को न्यायालय ने 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अकोला शहर के पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले पारस्कर शोरूम के पास 4 दिन पहले राडा करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने सौरभ अग्रवाल, कार्तिक सुधीर बोरकर, राहुल विजय उज्जैनवाल को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने 3 आरोपियों को 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। इस घटना के अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है, जबकि घायल युवकों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। यह कार्रवाई खदान के थानेदार DC खंडेराव के मार्गदर्शन में API संजय गवई, सदाशिव मार्गे, राजेश वानखड़े, कपिल राठौड़, कुशल नेमाड़े, सुनील टाकसाले, शैलेश जाधव, इमाम चौधरी आदि ने की। बालापुर तहसील में किसानों को निशुल्क सोयाबीन बीज देने के बजाय कृषि सहायक ने प्रति बैग हजारों रुपए वसूले हैं, जिसके खिलाफ में किसान पुत्रों ने गोबर के भजिए तलकर अनूठा आंदोलन किया। यह भजिए अब कृषि विभाग को दिए जाएंगे। कृषि विभाग की ओर से गांव स्तर पर सोयाबीन बीज का निशुल्क वितरण अपेक्षित था, परंतु संबंधित कृषि सहायक ने किसानों से प्रति बैग 1 से 1.5 हजार रुपये वसूले हैं, जिसके कारण कृषि सहायक पर निलंबन की कार्रवाई की जाए और किसानों को उनके पैसे वापस किए जाए। इस प्रकार की मांग को लेकर गायगांव में किसान पुत्रों ने गोबर के भजिए तलकर अनोखा आंदोलन किया। बालापुर तहसील के कृषि कार्यालय की ओर से तहसील के किसानों को सोयाबीन के बीज का निःशुल्क वितरण का नियोजन किया गया था, परंतु व्याला, खीरपुरी, कलम्बा और अंदोरा सहित अधिकांश गांव में कृषि सहायकों ने सोयाबीन के बीज के लिए किसानों से प्रति बैग 1 से 1.5 हजार रुपये वसूले है, जिसमें किसानों के साथ भारी धोखाधड़ी हुई है। इस प्रकार का आरोप किसान पुत्रों ने लगाया है। बालापुर तहसील के कृषि सहायक पर निलंबन की कार्रवाई करने की मांग को लेकर किसान पुत्रों ने अपने अपने खेतों के पास गोबर के भजिए तलकर अनूठा आंदोलन किया। इस गोबर के भजिए को कृषि अधिकारी को भेंट किया जाएगा। कृषि सहायक पर निलंबन की कार्रवाई की जाए और आर्थिक धोखाधड़ी के अपराध दाखिल कर किसानों को उनके पैसे वापस किए जाए, इस मांग को लेकर यह अनूठा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में किसान पुत्र अक्षय सावले, शंकर ताठे, स्वप्निल पाठक, मंगेश पारस्कर, मिलिंद इंगले आदि शामिल हुए थे। मानसून आरंभ होने को 1 माह का समय बीत गया है, बावजूद इसके
अभी तक महान बांध में पानी की वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी 64 गांव योजना के लिए महान बांध के वाल से पानी का विसर्ग किया गया है। बार्शी टाकली तहसील के महान के कांटेपूर्णा प्रकल्प में 27.74% पानी उपलब्ध है, जिसमें से खाम्बोरा के उन्नई बांध में पानी पहुंचाने के लिए कांटेपूर्णा बांध के दो वॉल से रविवार की दोपहर से लेकर 5 जुलाई की सुबह 5 बजे तक कांटेपूर्णा नदी पात्र में पानी छोड़ा गया। खारपानपट्टा क्षेत्र में खाम्बोरा प्रादेशिक जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 64 गाँव को पानी पूर्ति करने के लिए नदी पात्र से पानी उन्नई बंधारे में इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ से मूर्तिजापुर शहर सहित 64 गाँव तक मोटर पंप के द्वारा पानी की टाकी तक, वहाँ से सीधे गांव तक पानी की पूर्ति की जाती है। इस साल समय से पहले मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। मानसून के आगमन को करीब एक महीने का समय बीत गया है, परंतु अभी भी बांध के लाभ क्षेत्र में दमदार बारिश ना होने के कारण महान बांध के जल स्तर में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके लिए बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। परंतु जितना पानी बांध में है वह भी कम होता चला जा रहा है। वहीं बांध को देखने के लिए अब पर्यटक भी यहाँ आने लगे हैं। अकोला जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहम्मद इस्माइल टीवी वाला के प्रयास को सफलता मिली है, जिसके कारण अकोला शहर के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। अकोला जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहम्मद इस्माइल अब्दुल हबीब टीवी वाला महाराष्ट्र सरकार से मांग की थी कि महावितरण कंपनी को निर्देश दिया जाए कि पिछले 6 महीने के बिजली के बिल बकाया रकम पर लगाने वाले ब्याज में छूट दी जाए और राज्य के सभी आम नागरिकों का बिजली का 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार अकोला महानगर पालिका को पिछले 2 साल के सभी प्रकार के टैक्स को माफ किया जाए, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटेले को निवेदन भी दिया गया था, जिस पर गहनता से चर्चा भी की गई थी, जिसके बाद अकोला महानगर पालिका द्वारा 31 जुलाई तक मालमत्ता कर पर लगाने वाले ब्याज को माफ किया गया है। आने वाले दिनों में भी अकोला जिला महानगर कांग्रेस कमेटी इसे लेकर प्रयास करेंगी। इस प्रकार की जानकारी महासचिव मोहम्मद इस्माइल भाई टीवी वाले ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी है, जिसके कारण अकोला शहर वासियों को बड़े प्रमाण में राहत मिली है। मैं 14 तारीख के दिन माननीय जिला अधिकारी को एक निवेदन दिया गया था, उसके अंदर हमारी अलग अलग टाइप की मांगे, जिसमें महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 100 यूनिट का बिजली का बिल माफ करना और बिजली में लगने वाली ब्याज की रकम को भी माफ करना चाहिए। इस विषय के ऊपर हमारा गंभीरता से विधानसभा में इस प्रश्न को विचार चालू है, शीघ्र ही इसके ऊपर बहुत जल्दी निर्णय आएगा। दूसरी हमारी ये डिमांड थी कि अकोला महानगर पालिका ने अपने कोरोना काल में 2 साल का टैक्स सभी प्रकार का आम नागरिक के लिए माफ़ करना चाहिए और उस पर लगने वाला जो ब्याज है वो कम से कम माफ़ होना चाहिए। तो माननीय जिलाधिकारी की विशेष बैठक के अंदर पिछले शुक्रवार को यानी 2 तारीख के दिन इस विषय के ऊपर गंभीरता से विचार हुआ और ये जैसा जो है जिसको भी टैक्स पावती के अंदर शासित रकम यानी ब्याज की रकम माफ़ करने में आई है, लेकिन अभी ये सिर्फ 1 महीने के लिए है, 31 जुलाई तक हम आगे भी कोशिश करेंगे अकोले की आम जनता के लिए और इस महाराष्ट्र की आम जनता के लिए, जहाँ तक हमारी कोशिश है और जहाँ तक हमारी पार्टी का कार्य है, हम ऊपर भी नाना साहेब पटोले से भी इस विषय के ऊपर गंभीरता से चर्चा हो रही है। शीघ्र ही बहुत ही जल्दी अकोला की आम जनता को खुशखबरी आगे भी डिमांडों की देने में आएगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने लोकशाही बचाव आंदोलन किया गया। इस अवसर पर राज्य सरकार का निषेध करते हुए जोरदार नारेबाजी भी की गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार 5 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने लोकशाही बचाव आंदोलन किया गया। राज्य सरकार की असफलता के कारण जनता का विश्वासघात करने वाली सरकार का निषेध करने के लिए भाजपा ने आंदोलन किया। इस दौरान राज्य सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की गई। कोरोना महामारी के नाम पर राज्य सरकार ने वर्षाकालीन अधिवेशन केवल 2 दिन का किया है। राज्य के कई गंभीर प्रश्न हैं जिसे हल करने के लिए 2 दिन का अधिवेशन कम पड़ने वाला है। इसी के साथ राज्य सरकार ने किए भ्रष्टाचार पर विरोधी प्रश्न खड़ा ना करें, राज्य के ओबीसी राजकीय आरक्षण, मराठा आरक्षण का प्रश्न राज्य सरकार हल नहीं कर पाई है,
तिगड़ी सरकार ने राज्य को विकास से काफी पीछे ले लिया है। इस प्रकार का आरोप भाजपा के पदाधिकारियों ने किया है। वर्षाकालीन अधिवेशन 6 सप्ताह का किया जाए, इस प्रकार की मांग भाजपा ने की है। इस आंदोलन में भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे, विधायक तथा जिला अध्यक्ष रणधीर सावरकर, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक हरीश पिंपले, तेजराव थोराट के मार्गदर्शन में महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, महापौर अर्चनाताई मसने के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मराठा आरक्षण के लिए छत्रपति संभाजी राजे द्वारा जनसंवाद दौरा किया जा रहा है। इस दौरे के दौरान वे अकोला आए थे। इस दौरान उन्होंने मराठा समाज के पदाधिकारियों से आरक्षण को लेकर चर्चा की। मराठा आरक्षण जनसंवाद दौरे के उपलक्ष्य में खामगाव से अकोला पधारे छत्रपति संभाजी राजे ने अकोला के मराठा मंगल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि वर्तमान महाविकास आघाड़ी समेत महायुति सरकार यदि सही तरीके से नियोजन करते तो मराठा आरक्षण कभी रद्द ना होता। प्रदेश के जनप्रतिनिधि यदि कानूनी दाव पेच को समझकर आरक्षण के मसले को हल करने में योगदान दे तो यह मुद्दा हल हो सकता है, लेकिन पूर्व की भाजपा सरकार तथा वर्तमान महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर सांसद बना तथा जनसेवक होने के नाते मैं जनता की सेवा करता ही रहूंगा। मराठा आरक्षण पर न्यायालय के फैसले के बाद केंद्र सरकार को अध्यादेश जारी करना चाहिए तथा संविधान में संशोधन करना चाहिए, ऐसा सुझाव भी छत्रपति संभाजी महाराज ने दिया। कौन काय बोलते मला त्याच्यावर बोलायचं नाही। संभाजी राजे समाजाचा सेवक आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज शाहू महाराजांच्या घराण्याचा मी वंशज आहे आणि मी कोण काय बोलते त्याच्यावर माझं लक्ष मी केव्हाही केंद्रित करत नाही। पूर्वी शिवाजी महाराज शाहू महाराजांसोबत लोक टीका करत होते, मी तर नुसता एक टक्का आहे, एक निमित्त आहे। आणि माझी एकच आपल्याला सांगायचं आहे की कोणाचं नाव घेण्यापेक्षा मी प्रामाणिकपणे काम करतो समाजाचं, समाजाचा माझ्यावर विश्वास आहे आणि छत्रपती घराण्यात माझा जन्म झाल्यामुळे कोणाला फसवण्याचा हा माझ्या रक्तात म्हणजे डोक्यात होईल विषय। छत्रपती संभाजी महाराजांचा पक्ष कधीपर्यंत येईल महाराज, कधी स्थापन होईल एक चर्चा? मी राष्ट्रपती नियुक्त खासदार आहे आणि ते राष्ट्रपती नियुक्त खासदार मला एन्जॉय करून देणार अजून एक वर्षभर आहे। सर अधिवेशन फक्त 2 दिवसाचं आहे, तुम्ही म्हणतात की आता हे जे संपूर्ण पुरायचं आहे तर तो राज्य सरकार होईल त्यांनी कोविडच्या मुळे 2 दिवसाचं अधिवेशन ठेवलं आहे। पण मराठा समाजाचे प्रश्न जे काय आहेत हे 2 तासात काय 1 तासातसुद्धा विषय निकाली लागू शकतात, त्याच्यावर चर्चा होऊ शकते आणि चर्चा डिबेट नको आहे आम्हाला, आम्हाला डिबेट नको आहे। डिबेटच्या ऐवजी पर्याय काय आहेत पर्यायावर चर्चा करायला पाहिजे आणि मराठा समाजाला आपण न्याय कसं देऊ शकतो ह्याच्यावर चर्चा करावी, त्यासाठी 1 तास भरपूर सुद्धा आहे। चंद्रकांत, अंत में एक नजर आजची सुर्खीवर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। मनपा में सत्ता परिवर्तन करेंगे राष्ट्रवादी महानगर अध्यक्ष का प्रतिपादन। जिला परिषद पंचायत समिति उपचुनाव, नाम निर्देशन के अंतिम दिन उमड़ी भारी भीड़। मनपा द्वारा लगातार अनधिकृत निर्माण कार्यों पर कार्रवाई। छह महीने में ट्रैफिक विभाग की 60,000 से ज्यादा कार्रवाई। मारपीट प्रकरण में 3 आरोपी गिरफ्तार, 7 जुलाई तक पीसीआर। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।